नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। बिन मांगे दुनिया में सब मिल जाएगा जब तू माँ दुर्गा की शरण में जाएगा। जितने भी राह में है तेरे कांटे, जितने भी राह में है तेरे कांटे, वो सब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे जब माँ का आशीर्वाद स्वयं तू पाएगा। भाई, माँ की शक्ति ही अलग है, माँ की महिमा अपरंपार। 10 महाविद्याओं की हम बात कर रहे थे, ज्ञान भी वरदान भी में अब नंबर पर पहुंच चुके हैं हम, छठे नंबर पे। यानी 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या छिन्नमस्तिका छठे नंबर पर आती हैं। छिन्नमस्तिका महाविद्या सती के 10 महाविद्याओं में से छठे नंबर की विद्या है। ये प्रचंड चंडिका के नाम से भी जानी जाती है। छिन्नमस्तिका देवी के हाथ अपना ही कटा हुआ सिर उनके हाथ में है तथा दूसरों हाथ में कटार है। छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति के बारे में कई सारी कहानियां कही जाती हैं। पुराणों में इसका अलग अलग तरीके से उल्लेख है। कोई कहता है कि देवी बड़े ही महान कार्य करती हैं, कोई कहता है कि देवी बहुत ही उदार की देवी हैं। लेकिन उनके स्वरूप को अगर हम हाथ देखें तो एक हाथ में खड़क धारण किए हुए हैं और अपने कटे हुए स्कंद से रक्त की जो धारा निकलती है उन्हें स्वयं पीती हैं, स्वयं सेवन करती हैं। अन्य दो धाराएं भी हैं, वर्णनी और शाकिनी के नाम से, कि दो गणों से तृप्त करती हुई धाराएं हैं। छिन्नमस्तिका की साधना की अगर हम बात करते हैं, क्रूर स्वभाव के कारण योग्य तांत्रिकों ने कुछ त्याग किए थे महानुभावता की एक सीमा तक पहुंचने के लिए। यानी छिन्नमस्तिका की जब हम बात करते हैं तो त्याग, समर्पण, ये भाव जो होता है यही इनकी पूजा को सफल करता है। शत्रुओं का नाश करती है, अपने अंदर पनप रहे शत्रुओं का नाश करना। यानी कहते हैं ना कई बार हम लोगों कि अपने अंदर की बुराई छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, ना पहचानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी बुराई है जो हमें हमारे जीवन में कष्टों की ओर लेकर के जा रही है। झारखंड की रांची में इनका बहुत ही भव्य मंदिर है। माँ छिन्नमस्तिका की बात जब हम करते हैं तो कटे सिर को देख करके हम ये एक प्रेरणा लेते हैं कि अपने अहंकार को छोड़ना, अपनी नेगेटिविटी को बाहर करना, अपने अहम को छोड़ना, ये अत्यंत ज़रूरी होता है जब हम किसी भी मिशन को पाना चाहते हैं। तंत्र मंत्र में, खास करके जब हम तंत्र की बात करते हैं, मंत्र की बात करते हैं और छिन्नमस्तिका की साधना की बात करते हैं, तो जितने भी तंत्र मंत्र, कष्ट, नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके ऊपर किसी तरीके से होती है वो सारी दूर होती हैं। इनकम यानी आर्थिक जो हमें स्थिति कई बार हमारी बहुत ऊपर नीचे होती है, कहा जाता है कि छिन्नमस्तिका की पूजा करने से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही सही होती है, बैलेंस होती है। और इनकी साधना करने से आपके जीवन में अच्छे प्रभाव आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज खत्म होती हैं। इनकी आराधना सुबह के टाइम पे भी करनी चाहिए, शाम के टाइम पे भी करनी चाहिए, लेकिन हम जब तक कुछ नहीं पा सकते, जब तक हम अहम को नहीं छोड़ते, अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, अपने अंदर पनप रहे शत्रुओं को नहीं छोड़ते, अपने अंदर जो बढ़ रहा है आपका शत्रु उसे काटना, उसे निकालना, उसे फेंकना ज़रूरी होता है। अहंकार छोड़ना ज़रूरी होता है, अहम छोड़ना ज़रूरी होता है,
तब हम सुखों की ओर अग्रसर होते हैं, अपने जीवन में सुख की कामना कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।